रहा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को लेकर विधायक अतुल बंसाली ने सरकार से जानकारी मांगी, जिस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 11 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद स्पीकर देवनानी ने विपक्षी सदस्यों को जमकर फटकार लगाई। ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो ये बता दें पिछले 8 महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आप लोगों ने दी है या निस्तारण किया। माननीय मंत्री जी, ये मूल प्रश्न का विषय नहीं था और 8 महीने में मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मूल प्रश्न आप सुन लें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, जवाब दे रहा हूँ ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनो तो श्री। अरे मूल तो जवाब दे रहा हूँ, सुनो माँ से, अब आराम से तसल्ली से सुनो, सबका जवाब है। पिछले 8 माह से या पिछले 10 माह से इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था उन प्रकरणों में पिछले 8 माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं एक एक प्रकरण की आपको बता दूँ। यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी, यही तो पूछ रहे हम। ये 8 महीने में आपने निस्तारण नहीं किया। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अरे सुने आप, ये लगाओ वाले जिसमें सुनने की क्षमता नहीं वो गड़बड़ होता है। 2018 से लगा करके 2024 तक आया है, 2018 का एक, 2019 का एक, 2000। अरे आप भी जल्दी करेंगे, बैठिए माननीय मंत्री। 8 महीने की करेंगे और 5 साल की भी करेंगे और पूछोगे सबका जवाब देंगे। और ये टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार नीति है, जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे शीघ्र निस्तारण करेंगे। अगला प्रश्न, माननीय सदस्य अजीत बिराजो, कोई अंकित नहीं करे, जो बिना अनुमति के बोले कोई अंकित न करे। नहीं, हमारे 11A के इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। अगला प्रश्न श्री धर्मपाल, आ गया माननीय अध्यक्ष जी। अरे नहीं आए तो ये आपको, आप कौन बोला? जिसका प्रश्न था उसको आ गया, और इनका हो गया, उनका प्रश्न था मैंने दे दिया, तो आप कौन होता पूछने वाले? आप बैठिए, अंकित नहीं होगा, बैठिए। मैं ये रोज व्यवधान करते हो, मुझे अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी, मुझे अन्य व्यवस्था के। ये आप ही सदन चला रहे हो क्या? सदन आप नहीं चलाओगे? सदन मैं चलाऊंगा। नहीं तो मुझे पिस्तौल लाने के लिए कहना पड़ेगा, आपके लिए पिस्तौल लाने के लिए मुझे मजबूर मत करो। जवाब आपके अनुसार अनुकूल नहीं आएगा, आप जो चाहोगे जवाब आएगा क्या? जवाब आ गया माननीय अध्यक्ष जी। अरे आप कृपया, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, प्रश्नकाल में आपका व्यवधान डालने की आदत पड़ गई है।